आज जो स्थिति इस राज्य की है और जो शासन जिस तरह चल रहा है और जिस तरह से हमारे कांग्रेस के महारथी अपनी बात कर रहे हैं ना, ये तमाम नेशनल पार्टियों के जो रुख है, मैं उस पर बात करूँ। हमारे यहाँ 10 साल कांग्रेस को सत्ता सौंपी पब्लिक ने और 10 साल भाजपा को। हालत यह है कि जिस मकसद के लिए राज्य को हमने बनाया था वो मकसद तो खो गया। आज स्थिति ये हो गई हमारी कि हमारे जो प्रवास में लोग रहते थे, थोड़ा बहुत अपनी आजीविका चलाते थे छोटी मोटी, वो वहाँ से निकल करके जब घर आए अपने कोरोना में वो घर आए, हमारी सरकार आज तक उनको व्यवस्थित करने का कोई काम नहीं कर पाई। ये एक मौका था इस समय कि हमारे लगभग जो लाखों लोग जो हैं बाहर चले गए हैं, वो अगर इस राज्य को सजाने संवारने में भागीदारी करते तो शायद राज्य का जो सपना था वो हम साकार करने में कहीं सफल होते। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि अच्छा होता कि तुम इस समय इन लोगों की व्यवस्था करते। अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता तो दे दें बेचारों को, बाल बच्चे हैं उनके, सब कुछ है, आप नौकरी भी नहीं है, घर में भी खेती बाड़ी ख़त्म हो चुकी है, तो क्या करेंगे। तो उस पर अभी तक कोई गंभीरता से उन्होंने वो नहीं करा, ध्यान नहीं दिया। वही कांग्रेस भी आज बोल रही है बेरोजगारी की बात करती है, तो हमने कांग्रेस से भी यही पूछना है कि भाई वो आज तक उसने 10 साल शासन करा, उसने क्या करा रोज़गार के लिए। हमने 80% लोगों को रोज़गार देने की बात तिवारी जी के समय बात की थी, लेकिन उस पर अमल कहाँ हुआ। आज तो हालत ये है कि 8% लोगों को भी रोज़गार नहीं मिल रहा है।